पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में फिर से कड़वाहट बढ़ गई है। दोनों मुल्कों के बीच फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। कयास तो ये भी लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, किसी भी वक्त दुनिया एक और युद्ध में फंस सकती है। सोमवार तड़के पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की सरजमी में घुसकर खूनी खेल खेला। इसके जवाब में अब तालिबान ने भी बिना देरी किए 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि तालिबानी सैनिकों ने जवाबी हमले में अपनी तोपों को पाकिस्तान सेना के कई ठिकानों की ओर तैनात किया है और जोरदार गोलाबारी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान सैनिकों ने पाकिस्तान से लगते बॉर्डर यानी डूरंड लाइन पर 3 सीमा चौकियों से जोरदार हमला बोला है। मिली जानकारी के मुताबिक भारी हथियारों की मदद से तालिबान सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी वायुसेना के हमले के बाद तालिबान ने अपनी सेना को जवाबी हमले का आदेश दिया था। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो अफगान सीमा की ओर से तालिबानी सैनिक पाकिस्तान के नजदीक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तीन तरफ कुर्रम कबायली जिले, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान से तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियारों और तोपों से धावा बोला है। पाकिस्तान के इलाके में कई मोर्टार गोले और गोलियां दागी गई हैं। पाकिस्तानी सेना ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तालिबान के इस हमले का जोरदार तरीके से जवाब दिया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान रक्षा मंत्रालय ने भी हमलों की पुष्टि करते हुए बताया कि उसने हवाई हमलों के जवाब में सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया था। अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत से पाकिस्तान के बोरकी सीमा क्षेत्र पर 3 मोर्टार गोले दागे गए, उनमें से एक सरकारी स्कूल के पास गिरा। कुर्रम जिले के अस्पताल प्रशासन की माने तो सीमा पार से गोलीबारी में पाकिस्तान के कम 4 नागरिक घायल हो गए। इससे पहले तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी भरे लहजे में सख्त संदेश दिया था। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान की नई सरकार युद्ध की ओर ना बढ़े, नहीं तो हमें सुपर पावर से भी लड़ने का अनुभव है, हम किसी को भी अपनी सीमा में नहीं घुसने देंगे। तालिबानी सरकार किसी को भी अफगान सरजमी का इस्तेमाल करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी, ये हमला उसकी सीमा का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया है। जिन आतंकियों को निशाना बनाने की बात पाकिस्तान कर रहा है वे उसी इलाके में हैं। पाकिस्तान को अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई वजीरिस्तान इलाके में आतंकी हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें और बढ़ सकती हैं। साथ ही आतंकवादी संगठन द्वारा पाकिस्तान की सुरक्षा बलों पर और अधिक हमले किए जा सकते हैं।